हेलो बच्चों, वेलकम टू ए के स्टडी। देखिए, आज हम चैप्टर 4C लगाएंगे। 4C का दूसरा नंबर लगाएंगे। दूसरे का पहला है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। इसको हमें सरल करना है, ठीक है। सरल कैसे करना है? फार्मूले के जरिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने पूरा अपना लिख लिया है। और देखिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इधर देखिए, x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। और ये देखिए, a प्लस बी माइनस सी यानी x प्लस वाई माइनस जेड का, समझ गए आप, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तीसरा अपना ये लगेगा फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले पे हमें तीनों को रखना है और सरल करना है इसको। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो काट पीट के जो भी बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये फार्मूला अपने को रखने का यहाँ पे। तो चलिए, a क्या है? x है, तो हो गया x का स्क्वायर। प्लस b क्या है? y है, y का स्क्वायर। प्लस c क्या है? z है, z का स्क्वायर, है ना। प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी अपना क्या है? y है। प्लस 2bc, 2bc, 2y है b और c है z। बस इसी का अपना आपको मतलब एकदम ध्यान से रखना है, बाकी आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। 2c है यानी 2 इंटू सी है z इंटू a है x, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। ये ब्रैकेट क्या करिए? बंद कर दीजिए। यहाँ पे है प्लस। अब अगला ब्रैकेट शुरू करिए। तो अगले ब्रैकेट में देखिए क्या कह रहा है? ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ए क्या है? एक्स है, एक्स का स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, है। माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू एक्स इंटू बी है अपना वाई। माइनस टू बी सी यानी टू इंटू बी है वाई इंटू सी है जेड, है ना। और फिर क्या है? टू बी सी के बाद प्लस टू सी ए। यहाँ से शुरू करिए थोड़ा सा, जिसमें हमें अभी ये वाला भी रखने का है, ठीक है। ये आया नहीं क्या? अभी दिख रहा है क्या है? प्लस टू सी ए, प्लस टू इंटू सी अपना क्या है? जेड इंटू ए क्या है? एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर अगला क्या है? प्लस का, यहाँ प्लस लगाए और अगला चालू कर दिए। तो अगला क्या कह रहा है? ए प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड यानी ए प्लस बी माइनस सी, इसको रखेंगे, हाँ। तो ए क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर। प्लस बी क्या है? वाई, वाई स्क्वायर। प्लस सी क्या है? जेड, जेड स्क्वायर। प्लस टू ए बी यानी टू इंटू एक्स इंटू वाई। माइनस टू बी सी यानी टू इंटू बी क्या है? वाई और जेड। माइनस टू सी ए यानी टू इंटू सी क्या है अपना? जेड इंटू ए क्या है? ए। ये भी ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए इनको खोलते हैं, जरा गुणा भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, है ना। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड, इसका देखो करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर यहाँ आ जाइए, प्लस टू जेड एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इनका तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, इनका तीनों करेंगे तो टू वाई जेड, उनका तीनों का करेंगे तो टू जेड ए। अब इसमें हमें ये गौर करना पड़ेगा कि क्या कट रहा है और क्या नहीं, हाँ। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, क्या प्लस माइनस में है वही हमारा कट जाएगा। टू एक्स वाई यहाँ पे देखो प्लस में है, यहाँ माइनस में टू एक्स वाई है, ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस टू वाई जेड प्लस में है और इधर क्या है? माइनस में है। ये और ये कैंसिल हो गया।
इधर देखिए प्लस टू जेड एक्स, और इधर क्या है प्लस टू जेड एक्स, मतलब प्लस प्लस में है, तो ये हमारा कैंसिल नहीं होगा। और कहीं पे देखिए हो तो, हाँ एक गड़बड़ हम लोगों ने कर दी, वो कहाँ पे, यहाँ पे जो है ए की जगह हमें होगा, ए हमारा है एक्स, तो ये ए का कोई मान को है ही नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है, गलती से लिख गया। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी देखो एक गलती कर दी, बहुत ध्यान से लिखिएगा। इधर देखिए प्लस टू जेड एक्स, इधर माइनस टू जेड एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया है ना। अभी देखो अपने को बचा क्या क्या है, अब ये देखना है, इधर बचा है प्लस टू एक्स वाई, इधर प्लस टू जेड एक्स, इधर माइनस टू वाई जेड। तो चलिए जो जो बचा है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वन वन टू हो जाएंगे, ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो बार है तो टू वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी टू जेड स्क्वायर जुड़ जाएंगे ना, एक एक जुड़ जाएंगे, जब कुछ भी नहीं दिखता तो वन होता है, तो वन वन जुड़ जाएंगे तो टू हो जाएगा। अब इस लाइन में देखिए क्या बचा है, हाँ अभी चलो देखो इनको, इसको और इसको तो हमने जोड़ लिया, पर यहाँ पे भी बाकी है अभी, तो चलिए इसको अभी लिख लेते हैं, नीचे जोड़ेंगे आके। और ऊपर क्या बचा है, प्लस टू जेड एक्स, ये जुड़ गया इसमें, अच्छा उतारना नहीं, प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड, ये बचा अपने को। अब इसको इसको जोड़ेंगे, देखो दो एक तीन हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसको जोड़ेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर प्लस इसको इसको जोड़ेंगे तो थ्री जेड स्क्वायर है ना, प्लस टू जेड एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड, ये हो गया अपना आंसर। आसान है बच्चों, पर थोड़ा सा समझने में है ना परेशानी होगी, तो इसको बहुत बहुत एकदम शांति से सॉल्व करना, ध्यान से, जिसमें कोई गलती ना हो, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है।